नमस्कार। तो आज आप हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आज हल्का पुल बैक देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, पर यहाँ पे क्लियरली आपके सामने जो चीज़ है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है 250 लेवल, 250-245 का जो जोन है वो एक सपोर्टिव जोन है यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा के लिए। पिछले कई दिनों से स्टॉक 300 से रेजिस्टेंस लेके गिरावट हो चुकी थी, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेंगे तो पुल बैक आ सकते हैं। पर आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि Q2 के नतीजे सामने आने वाले हैं, यानी कि September के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के। अगर नतीजे इंप्रूव होके आते हैं तो स्टॉक में एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि कंपनी की बात की जाए, रिलायंस इंफ्रा की बात की जाए, तो क्वार्टर के नतीजे जो है यहाँ पे आप देख सकते, देखिए पिछले 93 करोड़ का लॉस था और लास्ट सितंबर क्वार्टर में तकरीबन देखोगे तो 182 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी का जो लॉस है वो विडन होता हुआ जा रहा है, मीन्स लॉस कम हो रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बना लेती है तो स्टॉक में बढ़िया पुल बैक आ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकती है स्टॉक के अंदर।